दोस्तों, मैं हूँ आपका डॉक्टर सजल सरकार, BHMS। स्वस्थ भारत निर्माण की ओर आगे बढ़ते हुए एक कदम। दोस्तों, आज हम और एक नया टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे और उसका नाम है सोरियासिस। और नाम सुनते ही आप सभी लोगों को पता चल गया होगा कि ये बीमारी कितना खतरनाक है। और एलोपैथी या मॉडर्न साइंस पॉइंट ऑफ व्यू अगर बोला जाए तो इसका लाइलाज है और ये बीमारी कभी ठीक नहीं होता है दोस्तों, लेकिन होम्योपैथी पॉइंट ऑफ व्यू में इसका इलाज है और वो भी परमानेंटली। बहुत सारा पेशेंट हमारे सोसाइटी में पहले भी होम्योपैथी अच्छे होम्योपैथी डॉक्टर के थ्रू इस बीमारी का इलाज किए हैं और वो भी परमानेंटली ठीक हुए हैं। और हमारे क्लिनिक में भी काफ़ी पेशेंट आते हैं सोरियासिस के जो ठीक होके जाते हैं और वो भी परमानेंटली। और उसी एक्सपीरियंस को देखते हुए दोस्तों इस वीडियो को बनाया गया है ताकि हमारे भारतवर्ष में बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं सोरियासिस बीमारी से पीड़ित हैं और जिनका ठीक नहीं हो रहा है, वे इस वीडियो के जरिए अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं और वो भी परमानेंटली ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, तो जानते हैं दोस्तों कि सोरियासिस का डेफिनेशन क्या है। इट इज ए रेड शाइनी स्केली सिल्वरी कलर थिक पैचेस अपीयर एनी वेयर इन आवर बॉडी, मतलब एक लाल शाइनी चमकीला स्केली मतलब छाले निकलते हैं स्केल्स, सिल्वर कलर के थिक मोटा पैचेस हमारे बॉडी में कहीं पे भी अपीयर हो सकता है। बेसिकली ये हमारे देखा जाता है कहाँ पे दोस्तों, बेसिकली ये देखा जाता है हमारे स्काल्प में, जिसको हम स्काल्प सोरियासिस भी कहते हैं। बिहाइंड नेक, गर्दन के पीछे भी होता है दोस्तों, बैक में होता है, पीठ में होता है, लोअर बैक स्पेशली लोअर बैक में होता है, एल्बो जॉइंट में होता है दोस्तों, फिंगर जॉइंट में काफ़ी ज़्यादा होता है सोरियासिस प्रॉब्लम, नी जॉइंट में देखा जाता है दोस्तों, एंकल जॉइंट पे देखा जाता है, हमारे पाम में देखा जाता है, फीट में देखा जाता है, पैरों में देखा जाता है, पैरों की तलवे में देखा जाता है। ये सब कुछ पर्टिकुलर एरिया है दोस्तों जहाँ से ये बीमारी स्टार्ट हो सकता है, होता है बेसिकली। और ये बीमारी जो है एक दूसरे के कांटेक्ट से नहीं होता है, लेकिन क्लोज कांटेक्ट से नहीं होता है, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस के थ्रू क्लोज कांटेक्ट होने नहीं बोलता हूँ इसलिए, क्योंकि बीमारी काफ़ी ज़्यादा हानिकारक है और रेगुलर स्केल निकलता है, इसीलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई पेशेंट एक दूसरे के कांटेक्ट में ज़्यादातर टाइम रहें। ये मेरा अपना सजेशन है कि ना रहना ही बेटर। ये फैमिलियल टेंडेंसी हो सकता है दोस्तों, मतलब फादर मदर्स के थ्रू पीढ़ी दर पीढ़ी भी हो सकता है, दूसरे अपने बच्चों को भी हो सकता है। तो ये तो हो गया दोस्तों डेफिनेशन। अभी हम इसका पॉजिटिव फैक्टर के बारे में जानेंगे। पॉजिटिव फैक्टर में दोस्तों अननोन कॉज है इसका, जो वजह है आज तक पता नहीं कर पाए हैं साइंटिस्ट लोग, लेकिन कुछ ट्रिगर फैक्टर है जिसके चलते बीमारी हमारे शरीर में आ सकता है, जैसे कि क्लीन कट इंजरी के बाद में ये देखा जाता है बहुत सारे पेशेंट में, आफ्टर सर्जरी के बाद में देखा जाता है काफ़ी ज़्यादा, स्टेरॉयड मेडिसिन लंबे समय तक लेने से भी ये बीमारी हो सकता है, एक्सेसिव अल्कोहल ड्रिंक करने से भी ये बीमारी हो सकता है, एक्सेसिव स्मोकिंग करने से भी ये बीमारी हो सकता है। और ये बीमारी और एक वजह है दोस्तों कि हमारा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, मतलब हमारे इम्यून सिस्टम में कोई डिसऑर्डर के चलते ही बीमारी हमारे शरीर में काफ़ी आसानी से आ सकता है, जो कि हमारे साइंटिस्ट लोग आज के ज़माने में कहते हैं। तो ये तो दोस्तों हो गया पॉजिटिव फैक्टर। अभी हम जानेंगे इसका कितने टाइप के हैं। तो फर्स्ट है दोस्तों पस्टुलर सोरियासिस, जो हमारे पाम में और पैरों के फीट में पैरों के तलवे में देखा जाता है, जिसमें कि रेड शाइनी स्केली सिल्वरी कलर पैचेस देखा जाता है। दूसरा है दोस्तों एरिथ्रोडर्मिक सोरियासिस, जो कि हमारे बॉडी में कहीं से भी चालू देखा जाता है। तीसरा है दोस्तों इनवर्स सोरियासिस, जो कि फोल्ड एरिया में हमारे बॉडी में देखा जाता है, स्पेशली जैसे कि एक्जिला हो गया, बिलो ब्रेस्ट, ब्रेस्ट के नीचे फीमेल लोगों का ब्रेस्ट के नीचे फोल्ड एरिया रहता है, उसके नीचे भी सोरियासिस देखा जाता है, ग्रोइन में जांघों के साइड में ये बीमारी देखा जाता है। और दूसरा है दोस्तों पोस्टुलर सोरियासिस आपको मैं बताया, और एक्टोडर्मिक सोरियासिस, इनवर्स सोरियासिस हो गया, और ये कुछ टाइप का सोरियासिस है।
जो कि बेसिकली देखा जाता है प्लेक सोरियासिस दोस्तों, ये जो बॉडी के कोई भी हिस्से में ये देखा जाता है, ये चार पांच टाइप का सोरियासिस का इसका वैरायटी है। अभी हम जानेंगे इसका क्लिनिकल फीचर्स, साइन और सिम्टम्स के बारे में। तो क्लिनिकल फीचर में दोस्तों क्या होता है कि ये फर्स्ट तो ये अपीयर होता है एक रेड साइनी स्केली सिल्वरी कलर थिक स्कैब या पैचेस अपीयर एनी वेयर इन आवर बॉडी में चालू होता है, जो कि एक छोटा सा पैच से चालू होता है जो पेशेंट बेसिकली अनदेखा करता है प्राइमरी स्टेज में। और वहीं पे पेशेंट का गलती होता है क्योंकि पेशेंट ये नहीं जान पाता है या उसके अंदर में ये डायग्नोसिस नॉलेज नहीं रहता है कि एक्चुअली ये जो छोटा सा लाल कलर का जो पैच है ये है क्या। और डायग्नोसिस नॉलेज ना रहने की वजह से वे जान नहीं पाते हैं कि कितना हानिकारक बीमारी उनके शरीर में एंटर कर चुका है। अगर वे उसी कंडीशन में तुरंत अगर डॉक्टर के कंसल्ट में आके, अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट के कंसल्ट में आके या होम्योपैथी अच्छे डॉक्टर के कंसल्ट में आके अगर ट्रीटमेंट ले लेते हैं तो इमीडिएटली ये बीमारी काफ़ी कम समय में ठीक हो जाता है, लेकिन पेशेंट का अनदेखी के चलते ये बीमारी लंबे समय ले लेता है। जब तक पेशेंट डॉक्टर का कंसल्ट में आते हैं ये काफ़ी देरी हो चुका रहता है और आसानी से ये प्रॉब्लम जो है ठीक होने का नाम ही नहीं लेता है। तो दोस्तों मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि अगर शरीर में ऐसा कहीं पे भी कोई भी पैचेस दिखाई दे, चाहे वो सोरियासिस हो चाहे ना हो, आप अपने से तुरंत आप अपना नियरेस्ट जो भी आपके फैमिली डॉक्टर या अच्छे डॉक्टर हैं आपके शहर में, तुरंत उनसे कांटेक्ट करें। और बॉडी में कोई भी बीमारी हो, सिर्फ मैं सोरियासिस के बात नहीं बोल रहा हूँ, बॉडी में कोई भी बीमारी हो अगर आप इमिडिएटली अगर आपका नियरेस्ट डॉक्टर के कंसल्ट में आके प्रॉब्लम के बारे में ट्रीटमेंट लेते हैं तो काफ़ी कम समय में काफ़ी कम खर्चे में आपका जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा। लेकिन आप जितना देरी करेंगे प्रॉब्लम उतना ज़्यादा बढ़ेगा और उतना आसानी से कोई भी प्रॉब्लम ठीक होने का नाम नहीं लेता है। तो इसीलिए दोस्तों कि ये हल्का सा रेड पैचेस सिल्वरी कलर शाइनी अपीयर होता है हमारे बॉडी में, और जो स्पेशली देखा जाता है हमारा स्काल में देखा जाता है, बिहाइंड नेक में देखा जाता है, एल्बो जॉइंट में, फिंगर जॉइंट में, नी जॉइंट में, ब्रेस्ट के फोल्ड में देखा जाता है, ग्रोइन एरिया में देखा जाता है, एंकल जॉइंट में देखा जाता है, क्योंकि बॉडी में इतने सारे एरिया में ये प्रॉब्लम जो है दिखाई देता है और धीरे धीरे ये बढ़ते ही जाता है। पहले तो छोटा सा पैचेस से चालू हो जाता है, लेकिन जब ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो पूरे शरीर में ये फैल जाता है, जिसमें कि रेगुलर बेस में स्केल निकलता रहता है, रिमूव होता रहता है बॉडी में, और जो पार्ट रहता है वो काफ़ी ज़्यादा रफ हो जाता है, ड्राई हो जाता है, पेशेंट काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन महसूस होता है उसमें, काफ़ी ज़्यादा खुजली भी रहता है, पेशेंट खुजली कर करके कभी ब्लीडिंग भी विन कर देता है इस पार्ट को। और दोस्तों ये फैमिलियर टेंडेंसी होता है, बेसिकली होता है, और मतलब अगर फादर मदर को रहेगा तो बच्चों को होने का भी चांस रहता है, तो इतना ज़्यादा ये सीवियर रहता है इस बीमारी। और पैचेस तो हमारे शरीर में कोई भी हिस्से में ये दिखाई दे सकता है अगर हम इसका प्रॉपरली ट्रीटमेंट ना करें तो ये हो गया दोस्तों को इसका क्लिनिकल फीचर के बारे में। अभी हम इसका डायग्नोसिस के बारे में जानेंगे। डायग्नोसिस के लिए दोस्तों ये हमारे एक्सपर्ट के ऊपर में ही छोड़ देना चाहिए, वे ही तय करेंगे कि ये सोरियासिस है कि नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, आप लोगों के माइंड में भी शायद होगा कि सोरियासिस में जो मैं सिम्टम्स बताया हूँ, ड्राई रफ स्केली स्केल जो निकलते हैं वो हमारे बेसिकली ड्राई एक्जिमा में भी देखा जाता है। तो इसका डिफरेंशिएटिंग पॉइंट क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट डिफरेंशिएटिंग पॉइंट ये है दोस्तों, जो ड्राई एक्जिमा रहता है उसका जो स्केल निकलता है वो शाइनी या सिल्वरी कलर के ज़्यादातर नहीं रहते हैं, एकदम ड्राई रफ रहेगा। लेकिन जो सोरियासिस के जो स्केल रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा शाइनी रहता है और उसका जो पैचेस एरिया रहता है वो थोड़ा सा थिकनेस रहता है, जो कि हम अच्छे अच्छे डॉक्टर भी फेल हो जाते हैं कभी कभी डायग्नोस करने के लिए। तो आप अपने से कभी भी दिमाग मत लगाइएगा या हमारा एक्सपर्ट के ऊपर में ही छोड़ दीजिएगा। और कुछ केस में अगर हम लोग डायग्नोस कर नहीं पाते हैं तो हम स्किन बायोप्सी करते हैं, स्किन बायोप्सी के जरिए 100% हम श्योर हो जाते हैं कि ये सोरियासिस है कि नहीं है। अभी हम जानेंगे दोस्तों इसका प्रिकॉशन के बारे में।
प्रिकॉशन दोस्तों एक ऐसा पार्ट है कि अगर हम इसको फॉलो करते हैं तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक है और एक हिसाब से 50% मेडिसिन का रोल भी प्ले करता है। तो फर्स्ट है दोस्तों, अगर सोरियासिस होता है तो हमें कहीं ज़्यादा बहुत ज़्यादा पसीना या गर्मी एरिया में जाना नहीं है, बहुत ज़्यादा रिच फूड खाना नहीं, स्पेशली नॉन वेज हो गया, जैसे कि अंडा हो गया, मीट हो गया, मछली हो गया और टमाटर हो गया, खट्टा दही वगैरह हो गया, ये सब चीज़ ना खाना ही बेटर है ताकि इससे बीमारी काफ़ी आसानी से बढ़ता है। साफ सुथरा रहना चाहिए क्योंकि रेगुलर बेस में स्केल रिमूव होता रहता है हमारे शरीर में, तो साफ सुथरा रहना काफ़ी ज़रूरी है। रेगुलर बेस पे हमें साफ सुथरा रहना चाहिए और स्किन साबुन से ही हमें नहाना चाहिए। तो ये दोस्तों कुछ प्रिकॉशन है, अगर हम इसको फॉलो करते हैं तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और दोस्तों अभी हम जानेंगे इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, ट्रीटमेंट पार्ट, कि कैसे हम इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। तो फर्स्ट मेडिसिन है दोस्तों ग्राफाइटिस वन है, जिसका कि 4 बूंद करके दिन में एक बार लेना है। सेकेंड मेडिसिन है दोस्तों सल्फर 30, जिसका कि 4 बूंद करके दिन में 4 बार लेना है। थर्ड मेडिसिन है दोस्तों पेट्रोलियम 30, जिसका कि 3-4 बूंद करके दिन में 4 बार लेना है। फोर्थ मेडिसिन है दोस्तों रेक्सटॉक्स 30, जिसका कि 4 बूंद करके दिन में 4 बार लेना है। और फिफ्थ मेडिसिन है दोस्तों कालीसल 30, जिसका कि 4 बूंद करके दिन में 4 बार लेना है। तो ये 4-5 मेडिसिन है दोस्तों, इसके हमें को रेगुलर बेस पे लेना है, ओनली ग्राफाइटिस को छोड़ के, जो कि हम डेली एक ही सिंगल डोज लेना है और वो भी 4 बूंद करके। अभी हम इसका एक्सटर्नल एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे। एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए दोस्तों कैलेंडुला मदर टिंचर लेना है और अफेक्टेड पार्ट में हमें लगाना है, अप्लाई करना है, साफ करना है सुबह शाम रात को। उसके बाद में दोस्तों क्रीम आता है टॉपी कार्डियोस्पोरम क्रीम आता है, उसको क्रीम हमें अप्लाई करना है अफेक्टेड पार्ट में सुबह शाम रात को 3 टाइम। तो फर्स्ट दोस्तों कैलेंडुला मदर टिंचर को अप्लाई करना है अफेक्टेड पार्ट में और उसके 2-4 मिनट के बाद में कार्डियोस्पोरम जो क्रीम आता है उसका क्रीम पे अप्लाई करना है सुबह शाम रात को 3 टाइम। तो ये तो हो गया दोस्तों ट्रीटमेंट पार्ट, और इसी ट्रीटमेंट के जरिए दोस्तों आपका जो सोरियासिस है वो काफ़ी आसानी से ठीक हो जाएगा और आप वो भी परमानेंटली निजात पा सकते हैं। दोस्तों अगर इस टॉपिक के बारे में आपको और भी कोई जानकारी चाहिए बिफोर ट्रीटमेंट लेने से पहले भी, अगर आपको कोई शंका हो, मन में कोई दुविधा हो, तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। और मन में अगर भ्रम है कि बीमारी छूटेगा नहीं छूटेगा, लेकिन श्योर रहिए दोस्तों आपका प्रॉब्लम डेफिनेटली ठीक होगा। और मन में कोई शंका दुविधा हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इस बीमारी का ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी अगर चाहिए तो भी आप मुझसे ले सकते हैं, जो कि आप घर बैठे ही आप एक अफोर्डेबल प्राइस में आपका जो मेडिसिन है हर महीने आपका घर तक पहुंच जाएगा होम डिलीवरी, और एवरी मंथ आपसे डायग्नोस होगा ऑनलाइन के जरिए, आपका बीमारी के हाल चाल जाना जाएगा, आपका बीमारी देखा जाएगा कि क्या कंडीशन है आपका बीमारी का, उसी हिसाब से रेगुलर मंथ आपका ट्रीटमेंट चलेगा जब तक आपका प्रॉब्लम ठीक नहीं होता है। दोस्तों ऐसा और भी कोई अगर हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है तो भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई डाउट है तो भी आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं, कोई ऑनलाइन दूसरे बीमारी के लिए भी ये ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो भी आप मुझसे ले सकते हैं। इसी के साथ ही दोस्तों आज का टॉपिक को आज हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, कुशल मंगल रहें। नमस्कार।